दोस्तों, जुगनू एक ऐसा कीड़ा है जो रात के समय अपने शरीर से एक रोशनी पैदा करता है, लेकिन ये जुगनू लगातार नहीं चमकते बल्कि एक निश्चित समय अंतराल में चमकते हैं। ये जुगनू कोमल शरीर वाले होते हैं जिनमें इनका सिर, छह पैर और पंख होते हैं। और अगर बात करें इनके रंगों की तो ये काले और नारंगी रंग के होते हैं। साथ ही इनके शरीर पर एंटीना भी मौजूद होता है। और अगर बात करें इनके आकार की तो ये लगभग 1 इंच तक बढ़ सकते हैं। और अगर बात करें इनकी प्रजातियों की तो इस दुनिया में इनकी लगभग 2000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन जुगनू का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि इससे पहले मैंने बहुत से जानवरों के जीवन चक्र की वीडियो बनाई हुई है जिस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला। और आज हम आपके लिए एक और जीवन चक्र के साथ ये वीडियो लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्रक्रिया में सबसे पहले वयस्क नर और मादा एक दूसरे की तलाश में निकल पड़ते हैं। ये वही वयस्क नर और मादा होते हैं जो अभी हाल ही में वयस्क रूप में उभरे हैं, जहां ये मादा एक ऐसे स्थान पर आई है जहां कुछ देर बाद एक कार्यक्रम शुरू होने वाला है। जी हां दोस्तों, ये वो कार्यक्रम होता है जिसमें बहुत सारे नर हिस्सा लेते हैं, जिसे देखकर मादा अपने नर साथी का चुनाव करती है। वही नर को भी इस बात का पता होता है कि मादा जुगनू दूर से इन्हें देख रही है, जिसके बाद नर मादा को खुश करने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो बार बार अपनी लाइट जलाकर मादा को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है, जो देखने में काफी शानदार लगता है। लेकिन मादा जुगनू भी आसानी से प्रभावित नहीं होती। वो एक ऐसे नर की तलाश करती है जो लंबे समय तक अपनी लाइट को बरकरार रखता है। तो जैसे ही मादा अपने साथी को चुन लेती है, उसके बाद वो भी अपनी लाइट चमकाकर चुने हुए नर को इशारा देती है, जो उस नर के लिए सबसे अच्छी खबर होती है, क्योंकि वो नर पिछले कई रातों से मादाओं को खुश करने में लगा होता है। और जैसे ही उसे किसी मादा का इशारा मिल जाता है, उसके बाद वो उसके सामने वाले पौधे में चढ़कर आगे की बातचीत शुरू करता है। जी हाँ दोस्तों, ये बातें एक लाइट पैटर्न द्वारा की जाती है, जिसमें नर अपनी लाइट चमकाकर सवाल पूछता है और मादा अपनी लाइट चमकाकर जवाब देती है। दोस्तों, इस नज़ारे को देखकर यकीन ही नहीं होता कि कीड़े मकोड़ों की दुनिया में भी ऐसा कुछ होता है। तो जैसे ही मादा नर को जवाब दे देती है तो वो तुरंत वहां से उड़कर मादा के पास आ जाता है, जिसके बाद नर और मादा मिलन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इनका ये मिलन कुछ मिनटों का होता है। तो जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद ही मादा अंडे देने की अवस्था में आ जाती है और नर जुगनू की मौत हो जाती है। जब मादा अंडे देने की अवस्था में पहुंच रही होती है तो इस दौरान मादा अंडे देने के लिए नम जगहों की तलाश करती है, क्योंकि अंडों के विकास के लिए नमी की आवश्यकता होती है। तो जैसे ही मादा नमी वाली जगह खोज लेती है, उसके बाद मादा अंडे देना शुरू करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मादा एक बार में 100 अंडे दे देती है। तो जैसे ही मादा अपने सारे अंडे दे देती है, उसके 3 से 4 हफ्तों बाद ही इनसे लार्वा निकलना शुरू होते हैं।
ये लार्वा चपटे और पंख रहित होते हैं और इनका शरीर प्रजातियों के आधार पर अलग अलग होता है, जिसमें आमतौर पर सिर गहरे रंग का और निचला हिस्सा हल्के रंग का होता है और इस दौरान ये कई बार अपनी त्वचा को बदलते रहते हैं और जब जब ये अपनी त्वचा को बदलता रहता है तब तब इनके आकार में वृद्धि होती जाती है। और अगर बात करें इसके भोजन की तो इनका मुख्य भोजन घोंघा तितली मकड़ी आदि होता है, जिसमें ये सबसे ज़्यादा घोंघे को खाना पसंद करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों जब ये लार्वा वाली अवस्था में होते हैं तो कई प्रजातियों में ये लार्वा भी लाइट जलाने में सक्षम होते हैं। इससे इनके दो फायदे होते हैं। पहला, ये अपनी लाइट से अपने शिकारियों को चेतावनी देते हैं और दूसरा, इनकी लाइट देखकर इनके शिकारी इन्हें खाने की रुचि छोड़ देते हैं, जिसके कारण ये दूसरे शिकारियों का निवाला बनने से बच जाते हैं। तो जैसे ही ये लार्वा पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं उसके बाद ये प्यूपा बनाने की तैयारी में लग जाते हैं, जिसके लिए ये मिट्टी के अंदर चले जाते हैं और उसी मिट्टी से एक कमरा बनाते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जैसे ही ये अपना कमरा यानी प्यूपा बना लेते हैं उसके 3 से 4 हफ्तों तक ये प्यूपा की अवस्था में बने रहते हैं और इस दौरान ये लार्वा प्यूपा के अंदर जुगनू में बदल रहे होते हैं। दोस्तों सबसे बुरी बात ये है कि ये सारी प्रक्रिया प्यूपा के अंदर होती है, जिसके कारण इसे जुगनू में बदलते हुए नहीं देखा जा सकता। तो जैसे ही ये पूरी तरह से जुगनू में बदल जाते हैं उसके बाद ये मिट्टी के कवच को तोड़कर बाहर निकलते हैं और इस तरह जुगनू का जन्म होता है। जब ये जुगनू प्यूपा से बाहर आता है तो ये पूरी तरह से वयस्क होता है, जिसमें इसकी आँखें पैर पंख और एंटीना विकसित हो चुकी होती है। आपको बता दूं कि जुगनू का शरीर 3 खंडों में बटा होता है, जिसमें उसके अंतिम खंड में लाइट चमकने वाला अंग होता है। अगर बात करें इसके भोजन की तो पैदा होने के बाद ये फूलों का रस और कुछ कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना गुजारा कर लेता है, जिसके बाद ये अपने साथी की तलाश कर मिलन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जिसके बाद एक बार फिर ये जीवन चक्र शुरू हो जाता है। अगर बात करें इनके जीवन काल की तो इनका जीवन काल 1 से 2 वर्षों का होता है, जो विभिन्न प्रजातियों के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।